हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग पफ स्लीव्स एंड साइड डोरी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। ये कुर्ती भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए और 2 मीटर मैंने शाइनिंग जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग के फैब्रिक को हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और अब इस फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे और ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड। अब यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का हाफ, तो शोल्डर में ले रही हूँ इसके 7 इंच और यहाँ से हम लेंगे इसके आर्मोल्स, तो आर्मोल्स भी मैं ले रही हूँ इसके 7 इंच। अब दोनों निशान को छोड़कर एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ ऊपर से हम लेंगे इसकी वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ, तो वेस्ट लेंथ में ले रही हूँ इसकी 13 इंच और हिप लेंथ में ले रही हूँ इसकी 20 इंच। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे चेस्ट का 4th भाग, तो चेस्ट है इसकी 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। अब यहाँ से हम लेंगे वेस्ट का 4th भाग, तो वेस्ट है इसकी 30 इंच, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। अब यहाँ पर हम लेंगे हिप का 4th भाग, तो हिप है इसकी 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। अब इन निशानों को जॉइंट करेंगे और साइड से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब इन निशानों को भी जॉइंट करेंगे और यहाँ पर हम इसमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्मोल है, हाफ इंच अंदर से हम एक दूसरा आर्मोल बनाएंगे, ये हमारा फ्रंट आर्मोल है। अब यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे, तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 3.5 इंच और हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। अब यहाँ इसकी बॉटम है 10.5 इंच। अब यहाँ से हम लेंगे कुर्ती की लेंथ, तो कुर्ती की लेंथ में ले रही हूँ 39 इंच। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 43 इंच, 43 में से मैंने 4 इंच माइनस करके लिया है लाइनिंग को, तो मैंने 39 इंच लाइनिंग की लेंथ रखी है। और अब हम सेम मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। और इसके फ्रंट आर्मोल को भी कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके फ्रंट आर्मोल को कट कर लिया है। अब हमने लाइनिंग पर कटिंग कर ली है और इसकी मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट की मेन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। अब यहाँ से मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग से 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था और 2 इंच मार्जिन का, तो ऐसे करके मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड। स्लीव्स की विड्थ रखी है मैंने 9 इंच और यहाँ पर हम लेंगे इसकी लेंथ, तो मेरी स्लीव्स की फुल लेंथ है 22 इंच और 22 में हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो लेंगे हम 24 इंच। और यहाँ से हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है झालरी के लिए, तो इस तरह से मैंने स्लीव्स की फुल लेंथ रखी है 28 इंच। अब यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पर और यहाँ पर भी मार्क करेंगे हम 3 इंच पर। अब इसको स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ ओपन साइड से एक मार्क करेंगे हम 3 इंच पर और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब नीचे यहाँ से हम लेंगे स्लीव्स बॉटम, तो स्लीव्स बॉटम मैंने लिए 8 इंच और अब इसको स्वेपर की सहायता से इस तरह से गुलाई देंगे। अब इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ स्लीव्स के सेंटर में एक कट लगाएंगे और इस तरह से स्लीव्स को ओपन करेंगे।
और यहां से हम इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। तो देखिए अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को जॉइंट किया है, देखिए इस तरह से। और अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको मैंने 2 फोल्ड किया है। विड्थ है इसकी 5.5 इंच और लेंथ भी इसकी 5.5 इंच है। अब यहाँ पर हम लेंगे नेक विड्थ, तो नेक विड्थ मैंने रखा है 3.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे नेक डीप, तो नेक डीप पे मैंने 3.5 इंच रखा है। अब इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ से नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, देखिए इस तरह से। और अब इन निशानों को भी जॉइंट कर लेंगे। और अब हम इसकी सेम मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और एक फैब्रिक का पीस लेंगे और अब इस नेक को इस तरह से इस पर रखेंगे और अच्छे से सेट करके आयरन की सहायता से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने इसको आयरन की सहायता से चिपका लिया है और यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पूरे राउंड में। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें स्टिच लगाएंगे। अब हम इसको कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कुर्ती को फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम नेक को भी 2 फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएंगे। और अब हम इसको कुर्ती की राइट साइड में अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों के सेंटर मैच करते हुए हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और इस किनारी पर हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसमें स्टिच लगा लिए और अब इसमें से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और नेक के राउंड में पूरे में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब हम इसको सिंपली अंदर की साइड टर्न करेंगे और इसकी किनारी पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमने इसका नेक रेडी कर लिया है और यहाँ पर हम इसमें बाद में हैंड स्टिच कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से मैंने इसका बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है और अब हम दोनों पार्ट के राइट साइड मैच करते हुए इसके दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने इसके दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स की बॉटम को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से। और अब यहां पर हम एक मार्क करेंगे 4.5 इंच पर
और इस तरफ भी मार्क करेंगे हम 4.5 इंच पर। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया है और यहाँ पर हम इसमें स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर हम हाफ इंच की दूरी में एक सिलाई और लगाएंगे। और अब हम लेंगे इलास्टिक। देखिए हमारे सॉफ्ट वाले इलास्टिक हैं। इलास्टिक की लेंथ रखी है मैंने 6 इंच। अब इसको हम पिन की सहायता से स्लीव्स में इंसर्ट करेंगे। और अब इसके दोनों साइड लॉक कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा स्लीव्स पैटर्न बनेगा। और अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों को सेंटर मैच करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। और अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी साइड फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको टू फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें चाक बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें चाक बनाएंगे। तो देखिए हमने इसकी दोनों साइड फोल्ड कर लिए हैं और इस तरह से हमारी चाक बनेगी। और अब हम इसकी सिंपली बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी बॉटम को टू फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसमें साइड में डोरी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक से बनी डोरी के दो लूप लिए हैं और इसको इस तरह से टू फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम एक रेडीमेड डोरी लेंगे और इसको इस तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम फैब्रिक से लटकन बनाएंगे। तो ये मैंने फैब्रिक के फेस लिए हैं। इसकी विड्थ और लेंथ है 4 इंच। और अब हम इसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम डोरी को लेते हुए इसको फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और सेम इसी तरह से हम इसमें दूसरा लटकन भी बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको सीधी साइड से टर्न करेंगे। सेम इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी लटकन बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी दोनों साइड लटकन बना लिए हैं। सेम इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी लटकन बना लेंगे।
और अब ये हमारी ब्यूटीफुल कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। ये इस कुर्ती की फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।